देखिए फ्रेंड, हमने ये कान्हा जी की ड्रेस तैयार कर ली है, तो आशा है आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम बताते हैं कि हमने कैसे इसको बनाया है, कितना कपड़ा लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए अभी सर्दी चली गई है, गर्मी आ गई है, अब हम कान्हा जी के गर्मी के कपड़े बनाने बता रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। इसके हमने ये देखिए 44 हमारे पास ये डबल है, ये देखिए 44 हमने ये कपड़ा ले लिया है और 5 इंच हमने चौड़ा कपड़ा लिया और 44 का यहाँ से कपड़ा ले लिया। तो अभी हम बनाने के लिए पहले यहाँ पे एक सिंगल सिलाई डालेंगे। ये देखिए अभी हम आपको यहाँ से डाल के दिखाते हैं। देखिए नीचे का हिस्सा है, नीचे को हम इस तरह लेडी कर लेंगे। मम्मी को मैंने वीडियो करवा दी है ना। चल मैं भी चल रहा हूं, तुम बात कर रहे हो। चल वो वीडियो लोग सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से पूरा नीचे लेडी कर ली है। अब हम यहाँ से चुन्नर डालेंगे, यहाँ से चुन्नर डाल, ये देखिए इस तरह से भी हम बड़ा बड़ा चुन्नर इसमें लगाएंगे। इस तरह एकदम पास पास में हम
अब इसको ऊपर कर लीजिए। इस तरह से आप बड़े बड़े इसमें चुनर डाल दें। ये देखिए फ्रेंड, हमने 6 इंच की यहाँ पे पट्टी बना ली है। चुनर डाल के हमारा ये 6 इंच तैयार हो गया। अब हम इस तरह से डबल कपड़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से अभी हम, ये देखिए यहाँ से अभी हम डबल कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ से सिलाई करेंगे। चलिए सिलाई करते हैं। आप देखिए जितना हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे है उसको हम काट देंगे। अब हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए अभी हम इसको बीच में डोरी डाल दी और इसको भी हम, ये देखिए डोरी डाल के हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। ध्यान रखना है कि डोरी इसके बीच में आए नहीं। देखिए यहाँ पे हमने डोरी डाली। अब दोनों साइड में हम डोरी रख के इतना काट देंगे ताकि हम जब भी बांधें तो उनको बांधने में आसानी रहे। अब हम यहाँ पे
देखिए चोली के लिए हमने ये कपड़ा लिया, चोली बनाने के लिए। यहाँ से हम अब देखिए यहाँ से हमने 9 इंच और ये 4.5 इंच का कपड़ा लेंगे। अब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे फोल्ड, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 9 इंच की यहाँ से 9.5 इंच की हमने यहाँ से पट्टी ले ली है, क्योंकि हमने छोटे कान्हा जी का बना रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से इसको 2 टुकड़ा कर देंगे। ये देखिए 2 पीस करेंगे, यहाँ से काट के 2 पीस कर दिया। अब हम इसको यहाँ से अभी हम इसको टेढ़ा सिलाई लगा देंगे। इसे इसको ऐसे घुमा के इसको हम पट्टी को डबल कर देंगे। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे सीधी सिलाई भी डाल के अब हम यहाँ पे इनकी और डोरी लगा देंगे। यहाँ पे इस तरह से डोरी लगाएंगे ताकि हम उनको अच्छे से पहना सकें। ये देखिए यहाँ पे भी हमारी चोली तैयार हो गई है। चलिए अभी हम उनको पहना के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने उनकी चोली तैयार कर ली है। ये देखिए हमारी चोली तैयार हो गई है। एक्चुअली ये 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के हैं। हमारे पास कान्हा जी छोटे हैं। चलिए हम उनको पहना के आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे लगते हैं। ये देखिए ये छोटे हैं हमारे पास कान्हा जी। हमने बड़े कान्हा जी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। देखिए इस तरह से इनको अब हम यहाँ से इनको डोरी बांध देंगे। ये चोली तो इनको बड़ी होगी ही, क्योंकि हमारे कान्हा जी छोटे हैं और चोली जो है हमने 4 और 5 नंबर के कान्हा जी की बनाई है। ये देखिए इस तरह से ये इनको चोली आ गई है। ये देखिए ये हमने ये चोली पहना दी है इनको। ये देखिए अब हम इनको यहाँ से ड्रेस पहनाएंगे। ड्रेस के ये देखिए यहाँ से भी हम इनको इस तरह से थोड़ी सी टाइट कर देंगे। ऐसे इनको इस तरह से बांध देंगे। ये सारी डोरी जो वो नीचे साइड में कर देंगे और ये देखिए इस तरह से ये इनको इनकी जो ड्रेस है वो तैयार होगी। अभी देखिए यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। यहाँ से हम नीचे से एक पिन लगा देंगे ताकि ये जो हमारी ड्रेस है वो यहाँ से खड़ी नहीं हो। ये देखिए ये इस तरह से देखिए इस तरह से हमारी जो कान्हा जी की ड्रेस है ये देखिए वो तैयार हो गई है। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए देखिए ये सब ड्रेस तो तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड, ड्रेस हमारी तैयार हो गई है। आप हमारे चैनल को आशा है आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।